नई शिक्षा नीति के तहत अगले 20 साल में इस देश में जो अब तक 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं उन्हें कम करके 15,000 पर लाना है, ये उसका ध्येय है। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत 15,000 पर किया जाएगा। हम ऐसी चुनौती में खड़े हैं। हम लोग उन पीढ़ियों से निकल कर आए कि घर में अगर 2 रुपया बचता था तो घर में चुनाई और पुताई नहीं होती थी, बच्चे की फीस दी जाती थी, महिलाएं घर का गहना गिरवी रख करके, पुरुष जमीन गिरवी रख करके अपनी पहली पीढ़ी को पढ़ाए ताकि पढ़ लेंगे अगर बच्चे तो पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति ने वो रास्ता बंद कर दिया है कि कोई गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे किसी अच्छे DU JNU में पहुंच पाएंगे। और इसलिए दूसरा हमला नीतिगत के अलावा दूसरा हमला है कि शिक्षा को बर्बाद बदनाम कर दो। पढ़ा लिखा होना गाली हो गया। आप प्रधानमंत्री बनना है तो पहले आपको फेक डिग्री चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा चुनौती देने का मादा है। तो दो स्तर पर वो लोग शिक्षा पर हमला कर रहे हैं। पहला वो जो इस बिंदुओं में भी है कि भाई शिक्षा सब तक सहूलियत से पहुंचे, घर के करीब तक स्कूल हो और स्कूल में ऐसी सुविधाएं हो कि जिसके घर में कुछ भी ना हो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने भेज सके। तो सरकार का काम इतने स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने थे जिनसे हर गरीब कमजोर मजलूम वंचित शोषित के बच्चों को शिक्षा मिले, और जब सरकार का काम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाना था और ऐसे वक्त में रहे हूं जहां सरकार केवल शौचालय और देवालय बनवा रही हो। नई शिक्षा नीति पर वो प्रावधान कर रही है कि 3,000 से कम विद्यार्थी जिन भी स्कूलों और डिग्री कॉलेजेस में वो संख्या ज्यादा है, तो जहां वो स्कूलों में विद्यार्थी कम होंगे हम उस स्कूलों को बंद करेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी लाएंगे। यानी मान लीजिए इस गांव में, और पहले काम हुआ कुछ स्कूलों के लिहाज से, 3 किलोमीटर तक की रेंज में कोई ना कोई प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो 3 किलोमीटर के पास वाले अगर स्कूल में विद्यार्थी पूरे नहीं है तो इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, क्लोज मर्ज कर दिया जाएगा। यानी अगर विद्यार्थी कम है तो इस स्कूल की बजाय वो उस स्कूल में पढ़ाई होगी। 2 या 3 स्कूल मिला करके अगर उनका 3,000 का नंबर पूरा होगा तब वो एक स्कूल चलेगा। तो मर्जर की पॉलिसी है, और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति क्लोजर की पॉलिसी ले आई है कि मान लीजिए अगर बहुत दूर तक कई स्कूल मिला करके भी पूरे नहीं हुए तो उन स्कूलों को क्लोज कर दिया जाए। तो ये क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी स्कूल पर लागू हो रही है। अब जैसे एक आंकड़ा मैं देता हूं नई शिक्षा नीति के तहत, अगले 20 साल में इस देश में जो अब तक 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं उन्हें कम करके 15,000 पर लाना है, ये उसका ध्येय है। यानी एक देश जब आगे बढ़ता है, अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा जाने क्या क्या कर रहा है, उस देश को तो ये चिंता होनी चाहिए कि क्या हर बच्चे की पहुंच तक स्कूल खुला कि नहीं, और अगर खुला है तो उसमें और ऐसे कौन सी सुविधाएं दी जाएं, शिक्षक दिए जाएं, इमारत बच्चे पढ़ रहे हो तो इमारत न गिर जाए, वहां बच्चा पता चला इमारत है तो वहां गाय और भैंस आकर के वहां बैठ रही है, वहां विद्यार्थियों को पढ़ने के अलावा हर काम हो रहा है। तो सरकार की चिंता होनी चाहिए कि स्कूल अच्छे बने, नए स्कूल खोले जाए। वहां नई शिक्षा नीति कह रही है कि अगले 20 साल में 45,000 डिग्री कॉलेज को कम करके क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत 15,000 पर किया जाएगा। हम ऐसी चुनौती में खड़े हैं। नई शिक्षा नीति कह रही है कि आपके 3 ग्रेड के इंस्टीट्यूशन होंगे। ग्रेड सी का इंस्टीट्यूशन, वर्ण व्यवस्था का हम लोग इसका विरोध करते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। अब आप देखिए पढ़े लिखे लोग जब जातिवादी होते हैं, सामंती होते हैं, तो कैसे व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था शामिल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी 3 प्रकार के होंगे, उच्च शिक्षा 3 प्रकार के होगी।
पहली ग्रेड सी की होगी, जो निम्न स्तर की होगी उसका सारा पैसा सरकार देगी और उसमें गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे पढ़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटी चारों को जो फेलोशिप मिलती थी और उस फेलोशिप को कम कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और पता है हमारे अनुज लोग जब शोध करने पहुंचे हैं, वो जब जाते हैं कि फेलोशिप आई नहीं, तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, 6 महीने से फेलोशिप नहीं आई। तो जहां नई फेलोशिप देनी चाहिए, हम लोग फेलोशिप ना होते तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। घर में तो पैसा ही नहीं होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए भेज सके। तो जब एक फेलोशिप आती है तो केवल एक बच्चा नहीं पढ़ता, वो 2-4 भाई बहनों को भी पढ़ा लेता है। कोई अगर घर की लड़की है तो वो 2-3 बहनों को अपने घर में पैसा दे करके पूरी अर्थव्यवस्था बदलती है। और पढ़ाई केवल ये नहीं है, हमारे यहाँ तो हिंदी में कविता लिखी गई कि भूखे भजन न होए वो पाला ले लो अपना कंठी माला। तो हम लोग भजन की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये दिक्कत है कि अगर पेट में अन्न नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होगी। और हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो जो आपके पॉइंट में है, उसमें नई शिक्षा नीति चिंता तो करती है शुरुआत के 2-3 अध्याय में, और कहती है कि हम ये ड्रॉप आउट रेशियो कम करेंगे। कैसे कम करेंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं देते। भाई जिस 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 घर में कमाने के रात में चूल्हा जलेगा कि नहीं यही नहीं पता, वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे। शिक्षा पर सबसे ज्यादा हमला ये किया जा रहा है। क्लोजर मर्जर ग्रेड सी, ग्रेड सी में उनके घरों के बच्चे पढ़ेंगे, उसका पैसा सरकार देगी, लेकिन वहां न शिक्षक होंगे न उसको फंड मिलेगा। ग्रेड बी के इंस्टीट्यूशन वो होंगे सेमी गवर्नमेंट, सेमी पब्लिक, सेमी प्राइवेट, आधा पैसा सरकार देगी और आधा इंस्टीट्यूशन खुद जनरेट करेगा। तो जैसे ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये बर्डन आता है कि आप अपना पैसा जनरेट करिए, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा जनरेट करने का माध्यम क्या है? बच्चों की फीस। और जब बच्चों की फीस से पैसा जनरेट होगा, तो जो ग्रेड सी में फीस होगी 100 रुपया मान लीजिए, तो ग्रेड बी के इंस्टीट्यूशन में फीस होगी 10,000, क्योंकि वो 50-50 मोड पर है। और जो ग्रेड ए का इंस्टीट्यूशन होगा, उस ग्रेड ए के इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमस, फुल्ली ऑटोनॉमस दे दिया जाएगा, यानी आप डिसीजन मेकिंग में भी ऑटोनॉमस होंगे और आप फाइनेंशियली भी ऑटोनॉमस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप सारा पैसा खुद जनरेट करिए। और जब ग्रेड ए यानी टॉप की यूनिवर्सिटीज होंगी, तो सारा पैसा खुद जनरेट करना होगा, तो उस ग्रेड ए के इंस्टीट्यूशन की फीस क्या 10 लाख नहीं होगी। और इसलिए मैं केवल बात ये खत्म करूंगा, चूंकि सदन का अपना कार्यक्रम है, नई शिक्षा नीति जो इस देश में लागू की जा चुकी है वो सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है। और सार्वजनिक शिक्षा का मतलब ये कि अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, अब आपके जेब में पैसा है, आप शहरों में रहने वाले लोग हैं, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा था, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजिए, आप जो बड़े बड़े शहरों में भेजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए। तो नई शिक्षा नीति ने जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मतलब केवल यह हो गया कि 50% डिसीजन मेकिंग में नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग रहेंगे, यानी डिसीजन कौन लेगा, कोई सांसद विधायक मंत्री उसमें रखा जाएगा और वो फिर अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एडवांटेज लेगा। तो एनईपी ने, नई शिक्षा नीति ने, मैं आसान भाषा में, क्योंकि बहुत सारे क्लॉज है, आसान भाषा में केवल ये कि गरीब कमजोर मजलूम के लोग, हम लोग उन पीढ़ियों से निकल कर आए कि घर में अगर 2 रुपया बचता था तो घर में चुनाई और पुताई नहीं होती थी, बच्चे की फीस दी जाती थी, महिलाएं घर का गहना गिरवी रख करके, पुरुष जमीन गिरवी रख करके अपनी पहली पीढ़ी को पढ़ाए, ताकि पढ़ लेंगे अगर बच्चे तो पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति ने वो रास्ता बंद कर दिया है कि कोई गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे किसी अच्छे DU JNU में पहुंच पाएंगे। और इसलिए दूसरा हमला नीतिगत के अलावा दूसरा हमला है कि शिक्षा को बर्बाद, बदनाम कर दो। पढ़ा लिखा होना गाली हो गया। आप प्रधानमंत्री बनना है तो पहले आपको फेक डिग्री चाहिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में फेक डिग्री होगी तब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको शिक्षा मंत्री बनना है, आपकी 12वीं की डिग्री तक फेक होनी चाहिए, आप झूठ बोलिए। तो डिग्रियों को, जो हमारी तो ताकत डिग्रियां थी, हमारी ताकत पढ़ा लिखा होना था। हम पढ़े तब जाके हक जाने, हम पढ़े तब अंबेडकर को जाने। मैं वो भी थी घर से आता हूं ना भाई, हमारे यहाँ तो परंपरा उस तरह नहीं है, लेकिन जब हमको पढ़ने का मौका मिला तो हमने फूले, शाहू, अंबेडकर को पाया कि तो हमारे लिए लड़ रहे थे।
तो शिक्षा तो वो काम करती है, चेतना पैदा करती है, क्रांति का काम करती है। इसलिए दूसरा काम इस समय इस देश में किया जा रहा है, पहले तो शिक्षा को नई शिक्षा नीति के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, दूसरा शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है, उसको डीलेजिटिमाइज। आप गांव में जाइए, आप पढ़े लिखे हैं तो लोग आप पर हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं तो चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं, हमारा तो तड़ीपार भी चुनाव जितवा लेता है। तो शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है ताकि आप बच्चों को पढ़ाए ना और फिर कल को कोई उससे दंगाई बना ले। इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करते हुए, नई शिक्षा नीति पर इस देश में तो क्रांति हो जानी चाहिए थी, वो तो बर्बाद कर चुका है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय। इन सभी 22 मांगों से समर्थन जताते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब।